हाय एवरीवन, वेलकम टू एवरियल एजुकेशन में आपका स्वागत है। सबसे पहले आप यहां पर देख लीजिए, हम पंडित सुंदरलाल शर्मा की वेबसाइट पर आ गए हैं। ये ओपन यूनिवर्सिटी है, अगर आप पढ़ाई करना चाहते हैं इस विश्वविद्यालय से और ओपन यूनिवर्सिटी से डिस्टेंस में अभी एजुकेशन लेना चाहते हैं तो आपके लिए बेस्ट है। तो सबसे पहले आप यहाँ आपको आना पड़ेगा इस वेबसाइट में, आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। तो चलिए इस वेबसाइट में आपको कुछ दिखाता हूँ, ठीक, ताकि आपको कुछ जानने को मिलेगा। सबसे पहले आप यहाँ पास आइए, आइए जो होम बटन है यहाँ पास आप क्लिक कर दीजिए, ठीक है। इसके बाद जो स्टूडेंट वाला कॉर्नर है तो यहाँ पास देख सकते हैं, आपको जो भी सपोर्ट वगैरह चाहिए तो आपको यहाँ से मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन हम लोग क्या आएंगे, अगर आपको बीएड करना है या फिर डीएड करना है तो आपके लिए यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। जो एडमिशन प्रोसेस है आप क्लिक हियर पर क्लिक करेंगे तो आपको शो हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह इनका जो रिक्रूटमेंट है या जो भर्ती प्रक्रिया है इसके लिए या फिर जो पीएचडी के जो प्रोग्राम है आप यहाँ पास अच्छे से देख सकते हैं, ठीक है। इसी तरह आप यहाँ पास हम बात करेंगे जो अभी एग्ज़ाम होने वाला है या फिर इसे फॉर्म फिलअप होने वाला है, भरा रहा है फॉर्म, उसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं इस वेबसाइट में, ठीक है। तो चलिए हम ऑनलाइन सर्विसेज में जाते हैं और यहाँ पर देखते हैं कौन कौन सा क्लास ऑफर करता है, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं न्यू स्टूडेंट के लिए जो इसमें एडमिशन लेना चाहते हैं या फिर इसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो इसका देखिए अभी डेट स्टार्ट हो गया है, 1 दिसंबर 2022 से लेकर 28 फरवरी 2023 तक चलेगा। तो इसका जो डेट है आप जान सकते हैं, लगभग 2 महीना का समय है, तो इसके लिए इजीली आवेदन कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ पास देख सकते हैं कि यहाँ क्लिक करिएगा तो आपको आपका जो फॉर्म भरने के लिए आपको आगे इंस्ट्रक्शन देने लगेगा। तो यहाँ पास आप देख सकते हैं, आप मोबाइल नंबर इसमें डालिए, ठीक है। इसके बाद जो पासवर्ड आपको चूज़ करना है वो पासवर्ड इंटर कर दीजिए, इसके बाद कन्फर्म पासवर्ड करिए, इसके बाद सिलेक्ट क्वेरी में जो भी आपका विषय हो डाल सकते हैं, फिर आपका जो आंसर है उसको आप यहाँ पर रजिस्टर कर दीजिए। रजिस्टर करिएगा तो कुछ इस तरह का फिर लेआउट आएगा, ओके। तो ऐसे आने के बाद कुछ इस तरह का आपका विंडो खुल जाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं स्टूडेंट सर्विसेज से है, हेल्प डेस्क से है, यूनिवर्सिटी यूजर लॉगिन है, तो आपको यहाँ पर देख लेना अच्छे से कि कौन कौन सा इसमें पाठ्यक्रम का है जो आपको ये अप्लाई करना है इसके लिए। तो अगर आप इससे बीए करना चाहते हैं तो 10+2 है आपका, ठीक है, न्यूनतम क्वालिफिकेशन, तो इसमें 3 साल का ईयरली है, ठीक है। जैसे फीस वगैरह आप यहाँ पर दे सकते हैं 4,300 रुपये है, इसी तरह बीकॉम का आप दे सकते हैं 5,450 रुपये है। तो इसमें फ़ायदा क्या होगा, इसके साथ आपको स्टडी मटेरियल या फिर बुक्स वगैरह सब मिलता है, ठीक है। इसमें अगर आप अप्लाई करते हैं तो डिस्टेंस एजुकेशन है पंडित सुंदरलाल शर्मा, ठीक है, छत्तीसगढ़ का है ये, बिलासपुर में इसका यूनिवर्सिटी है। तो आप दे सकते हैं बीकॉम कर रहे हैं, फिर बीएससी जो बायोलॉजी से कर रहे हैं तो आप यहाँ दे सकते हैं, 3 वर्ष के लिए है, गणित के लिए 3 वर्ष के लिए है। अगर आप बीलिप करना चाहते हैं, ठीक है, तो आपके पास मिनिमम क्वालिफिकेशन जो होना चाहिए, ग्रेजुएशन होना चाहिए 1 वर्ष का है, इसलिए जो फीस वगैरह है 11,200 रुपये का है। एमए संस्कृत के आप दे सकते हैं, एमए संस्कृत करना चाहते हैं तो आपके लिए क्वालिफिकेशन जानी रहते हैं मिनिमम कितना है, ग्रेजुएशन होना चाहिए, 2 साल के लिए है, आपको 7,200 रुपये इसमें लगेगा, ओके। इसी तरह गणित के लिए है, एमएससी के लिए आप दे सकते हैं 7,700 रुपये है, 2 साल के लिए है, मिनिमम क्वालिफिकेशन आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए। इसी तरह पीजी डिप्लोमा है, ठीक है, और योग साइंस में है, इसके लिए ग्रेजुएशन होना चाहिए 1 साल के लिए है, और 8,200 इसका क्या है कोर्स का फीस है ईयरली। तो जो ईयरली फीस है यहाँ पर दे सकते हैं, न्यूनतम अवधि आप यहाँ पर अच्छे से दे सकते हैं इस तरह का। इसमें सबसे महंगा जो कोर्स ऑफर कर रहा है पीजी डिप्लोमा इन होटल मैनेजमेंट, और दूसरा क्या है आप दे सकते हैं इसमें पीजी डिप्लोमा इन लेबर एंड लेबर वेलफेयर, ठीक है। तो यहाँ पर दे सकते हैं अच्छे से, इसमें रामचरितमानस में भी इसमें आप डिप्लोमा कर सकते हैं, साथ साथ आप बीबीए भी यहाँ से डिप्लोमा ले सकते हैं, एमएसडब्ल्यू वगैरह कर सकते हैं, एमए का शिक्षा है आप इसमें से ले सकते हैं, ठीक है। इसी तरह आप इसमें से मास कम्युनिकेशन के जो कोर्स होता है जर्नलिज्म का, तो इसमें आप पीजी डिप्लोमा कर सकते हैं, इसके लिए ग्रेजुएशन होना चाहिए, मिनिमम क्वालिफिकेशन 1 वर्ष का होगा, 13,200 रुपये इसमें आपका फीस रहेगा। तो ये अच्छा अवसर है आपका डिस्टेंस में अगर एजुकेशन लेना चाहते हैं, ऐसे व्यक्ति जो पढ़ाई छोड़ चुका है, ठीक है, जो रेगुलर एडमिशन नहीं ले रहा है, जिसको इंटरेस्ट है पढ़ाई में, तो यहाँ से कर सकता है, ये बेस्ट ऑप्शन है और छत्तीसगढ़ वासियों के लिए तो बहुत अच्छा है। तो कोई भी किसी भी स्टेट्स के व्यक्ति है इसमें एडमिशन ले सकता है, और जो भी स्टूडेंट है जिसका ड्रॉप आउट वगैरह हो गया है तो इसमें एडमिशन ले सकता है, चाहे आप किसी जॉब में हो या फिर स्टूडेंट हो या ड्रॉपर हो या फिर कहीं और से पढ़ रहा हो। तो अगर आपको डिस्टेंस में पढ़ाई करना है तो आप इसके थ्रू आपको अवश्य पढ़ाई कर सकते हैं। तो आपका इसका जो अध्ययन केंद्र होता है आप नियरेस्ट इसके स्टडी सेंटर में जाकर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ठीक है।
और इसका जो मटेरियल वगैरह होगा तो आपको वहाँ से प्रोवाइड हो जाएगा। तो ठीक है दोस्तों, वीडियो देखने आपका थैंक यू वेरी मच। मैं उम्मीद करता हूँ कि अगर आपको ऐसे और जानकारी चाहिए तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, ठीक है, सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच।